दोस्तों, आप में से बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं। तो पीडीएफ कैसे डाउनलोड करें, आप सभी कमेंट करके पूछते हैं कि पीडीएफ कहां से डाउनलोड करेंगे। सर, हमको नोट्स चाहिए, तो नोट्स हमको कहां से मिलेगा? तो भाई, सबसे पहले आप टेलीग्राम को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और उसे अपने किसी भी मोबाइल नंबर से व्हाट्सएप की तरह वेरीफाई कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर एक सर्च बटन दिखाई देगा, इस सर्च बटन पर आपको क्लिक करना है और इस सर्च बटन में लिखना है कोसी स्टडी। यहाँ पर आपको 1500 मेंबर जुड़ा हुआ नज़र आएगा। तो जैसे ही आप इसे ओपन कीजिएगा तो यहाँ पर जो है नीचे में ज्वाइन बटन रहेगा, आपको ज्वाइन पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए इस खाली स्पेस पर क्लिक करना है। जैसे ही खाली स्पेस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर नीचे आना है, फाइल सेक्शन आपको मिलेगा, यहाँ पर आ जाइए। तो जैसे ही फाइल सेक्शन को हम ओपन करते हैं तो जितना अभी तक हम पीडीएफ डाउनलोड किए हैं यानी कि अपलोड किए हैं वो सभी आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद एक काम आपको और करना है, आपको यदि ग्रुप ज्वाइन करना है किसी भी तरह से, क्वेश्चन अगर आपके पास है, अगर पूछना चाहते हैं तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और इसी सर्च बटन में आपको सर्च करना है बिहार डीएलएड 2020 बैच, जैसे है वैसे ही सर्च कर देना है, या इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। तो 1233 मेंबर यहां पर जुड़ा हुआ है तो ज्वाइन हो जाएगा और यहां पर आप अपना डिस्कस भी कर सकते हैं। दोस्तों, कहते हैं आपका अच्छा चाहने वाला आपसे हर मुद्दे पर बात करेगा, लेकिन धोखा देने वाला सिर्फ प्यार भरी बातें करेगा। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त नवीन, एक बार फिर से स्वागत करता हूं कोसी स्टडी यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, आज की इस वीडियो को मज़ेदार तरीके से स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में स्पार्क पब्लिकेशन से पहला सेट प्रैक्टिस लेकर के आए हैं। इससे पहले जो आपका चल रहा था वो आपका सेट था प्रैक्टिस के लिए ही, लेकिन आपका उसी सेट प्रैक्टिस से आपका डिफरेंट रहने वाला है ये। तो ये आपका पहला सेट प्रैक्टिस से है, ऐसा समझ लीजिए कि ये आपका 11वां नहीं 12वां सेट प्रैक्टिस है, इस तरह से भी आप सोच सकते हैं। तो प्रतिदिन शाम 7 बजे वीडियो आती है, लेकिन कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ रही है क्योंकि मेरे साथ कुछ समस्या चल रही है जिसके कारण वीडियो कभी आती है कभी नहीं आती है। तो अभी तक वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है जिसके संबंध में हम आपसे लोगों के सामने जिक्र भी कर चुके हैं। तो फिर भी कोशिश करते हैं कि इस वीडियो को शुरू करें। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आगे बढ़ें, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट ज़रूर रहेगी कि आप अगर हमारे नए साथी हैं, अभी तक हमसे जुड़े नहीं हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि कभी कभी वीडियो लेट से आती है तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचती रहे तो कभी भी आप जो है लाइव हो सकते हैं और वीडियो आपसे मिस नहीं होगी। और आपसे दो रिक्वेस्ट और रहेगी, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। शेयर करने से आपके फ्रेंड्स भी आपके साथ लाइव आते हैं तो ज़्यादा संख्या में स्टूडेंट देख पाते हैं, तो ज़्यादा मज़ेदार बन जाता है और भी। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और इसमें हम लोग देखने वाले हैं 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन। दिखा देते हैं, जीके यानी कि जनरल नॉलेज से, जीएस जनरल साइंस से, मैथमेटिक्स से क्वेश्चन रहेगा और रीजनिंग से क्वेश्चन रहेगा। तो मैथमेटिक्स और रीजनिंग को आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, हम यहाँ पर आपको हिंट्स दे देंगे, ठीक ना। तो चलिए फर्स्ट नंबर की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आप सभी कोशिश कीजिएगा कि कमेंट थोड़ा फास्ट करें क्योंकि वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो जाती है। तो टोटल 150 क्वेश्चन आज की इस वीडियो में रहने वाला है। पहला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? मुगल शासक के बारे में बताया जा रहा है कि सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था। बाबर, हुमायूं, अकबर या फिर जहांगीर? दोस्तों, सबसे पहले मुगल शासक के यहाँ पर ध्यान दे दीजिए, मुगल शासक आपसे पूछा गया है। तो मुगल शासक अकबर था जिन्होंने अपने साम्राज्य में बिहार को शामिल किया था, मिलाया था। तो ये आपका सी सही जवाब हो जाएगा। आगे है,
भारत के महान ज्योतिष आचार्य आर्यभट्ट, जिसका बिहार में जन्म हुआ था, बताना है किस नगर से गहरा संबंध है। महान ज्योतिष आचार्य आर्यभट्ट का बिहार के किस नगर से गहरा संबंध है? बिल्कुल दोस्तों, जो भी पाटलिपुत्र ले रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे है, बिहार का शोक नदी किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक नदी किस नदी को कहा जाता है? दोस्तों, जो भी सी ले रहे हैं, कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। बिहार में सर्वाधिक जूट किस जिले में पैदा किया जाता है? ऐसा नहीं कहेगा कि आप जो है बहुत ही आसान क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो दोस्तों आपके एग्जामिनेशन की दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार डीएलएड का आपका एग्जाम है, ये आप मत भूलिए। इसलिए एग्जाम की दृष्टिकोण से ही आप अपने क्वेश्चन को सेलेक्ट करें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। पढ़ने के लिए तो समुद्र जैसा है। बिहार में सर्वाधिक जूट किस जिले में पैदा किया जाता है? दोस्तों, इसका जो सही जवाब लिया है वो लिया है पूर्णिया। पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा जूट उत्पादित किया जाता है बिहार में। आगे है, बिहार का एकमात्र तेल शोधक कारखाना निम्नलिखित में से किस स्थान पर है, जो कि बिहार में है? अब तो आगे और भी हो गया होगा, ये बरौनी हो जाएगा, जो कि मुख्य रूप से बरौनी बिहार का एकमात्र तेल शोधक कारखाना है। आगे है, निम्नलिखित में से किसने बिदर में मदरसे का निर्माण करवाया था? बताइए दोस्तों, बिदर में किसने मदरसे का निर्माण करवाया था? दोस्तों ध्यान में रखिए, बीदर में मदरसे का निर्माण मोहम्मद गवान ने करवाया था। बी आपका सही जवाब हो जाएगा। और ये मोहम्मद गवान मोहम्मद तृतीय था, और इसके शासन काल में ख्वाजा जहां की उपाधि, कह सकते हैं कि उपाधि से प्रधानमंत्री बना था, ठीक ना? तो मोहम्मद गवान ने बीदर में एक महाविद्यालय की स्थापना भी किया था, और कह सकते हैं रियाजुल इंसा नाम से मोहम्मद गवान के पत्रों का संग्रह भी किया गया। तो यहाँ पर आपका बी सही जवाब हो जाएगा। आगे है, हरिसेन निम्नलिखित राजाओं में से किसका राजकवि था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरिसेन किसका कवि था, राज दरबारी कवि था, बताइए। दोस्तों समुद्रगुप्त का राजकवि हरिसेन था। हरिसेन ने इलाहाबाद प्रस्तुति लेख की रचना की थी। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, ऐसा भी ध्यान में रखिएगा। इन्होंने अश्वमेधकर्ता की उपाधि भी धारण किया था, तथा इन्हें कविराज भी कहा जाता है। तो आपका बी सही जवाब हो जाएगा। मरमर वीथि से गोल गुंबज का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? मरमर वीथि से गोल गुंबज का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? दोस्तों ध्यान में रखिए, मोहम्मद आदिल शाह द्वितीय के द्वारा, कह सकते हैं मरमर वीथि से गोल गुंबज का निर्माण करवाया गया था। आगे है, निम्नलिखित में से वह शासक कौन था जो विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था? वह शासक कौन था जो विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था? कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय? बहुत ही दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिए। चंद्रगुप्त द्वितीय को जो है विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था। डी आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसने भारत पाकिस्तान का विभाजन करने वाली रेखा सीमांकित की थी? बताना है आपको वह व्यक्ति कौन है जिसने भारत पाकिस्तान का विभाजन करने वाली रेखा सीमांकित किया था, यानी कि सीमा का अंकन किया था, या फिर कह सकते हैं अंकित किया था। पहला ऑप्शन है सर मोर्टिमर डुरंडू, या फिर सर हेनरी मैकमोहन,
या फिर लॉर्ड माउंटबेटन या फिर सर सिरिल रेडक्लिफ। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा जो है भारत पाकिस्तान सीमा अंकित किया गया था, डी सही जवाब होगा। वह प्रधानमंत्री कौन है जिसने अपने कार्यकाल के दौरान संसद के अधिवेशन यानी कि सत्र में भाग नहीं लिया था? वह कौन सा प्रधानमंत्री है जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान संसद के अधिवेशन में भाग नहीं लिया था? दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिए। चरण सिंह, चौचरण सिंह आपका यानी कि चौधरी चरण सिंह, डी सही जवाब हो जाएगा, जिन्होंने प्रधानमंत्री के पद पर या कि कह सकते हैं अपने कार्यकाल के दौरान अधिवेशन में यानी कि सत्र में भाग नहीं लिया था। आगे हैं, राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 3 बार की है, ध्यान में रखिए, सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की सेवानिवृत्त आयु क्या है? राष्ट्रपति की सेवानिवृत्त आयु क्या है? दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा कोई सीमा नहीं है, सेवानिवृत्त की कोई सीमा नहीं है राष्ट्रपति की भारत में, आपका डी सही जवाब हो जाएगा। आगे है, यदि सरकार द्वारा राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों को लागू नहीं किया जा सकता है तो एक नागरिक निम्नलिखित में से किसके पास जा सकता है, बताइए। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यदि सरकार द्वारा राजनीति निर्देशक सिद्धांत को लागू नहीं किया जाता है राज्य के द्वारा तो ऐसे में एक नागरिक किसके पास जा सकता है अपने दुख को दूर करने के लिए? उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग या इनमें से कोई भी नहीं? दोस्तों ध्यान में रखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है यानी कि सिद्धांत जो है इनको आयरलैंड से लाया गया और संविधान में जोड़ा गया, ठीक ना, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है नीति निर्देशक तत्व। इसका वर्णन संविधान के भाग 4 में की जाती है, यह समाज की भलाई के लिए है, यह राज्य सरकार के द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिक को प्राप्त होती है। तो इस तरह से इसका सही जवाब होगा इनमें से कोई भी नहीं, डी सही जवाब होगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप ले रहे होंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दोस्तों क्वेश्चन घुमा हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति संविधान का संवैधानिक सलाहकार के रूप में कार्य किया था? तो दोस्तों हो जाएगा सर बी एन राव। क्या होगा? सर बी एन राव, सी सही जवाब हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मध्यरात्रि सूर्य देखा जा सकता है? मध्यरात्रि में सूर्य को देखा जा सकता है किस देश में, किस क्षेत्र में है? दोस्तों आप सभी जवाब दीजिए, सभी ऑप्शन आपके सामने हैं। दोस्तों ध्यान में रखिए, बहुत बार इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, आर्कटिक और एंटार्कटिक क्षेत्रों में सूर्य को मध्यरात्रि के समय देखा जा सकता है, सी सही जवाब होगा। आगे हैं, उत्तरी अमेरिका के प्रियरी कौन है? उष्णकटिबंधीय वन, नदी के बेसिन, पशु फॉर्म या फिर शीतोष्ण घास स्थल या फिर इनमें से कोई भी नहीं, वो तो ऑप्शन में है ही नहीं। दोस्तों ध्यान में रखिए, उत्तरी अमेरिका के प्रियरी जो है वो शीतोष्ण घास स्थलीय है, डी सही जवाब होगा। आगे है, पेनिसिलिन के निर्माण का मुख्य केंद्र निम्नलिखित में से किस शहर में है?
पेनिसिलिन जो बनता है, बताना है आपको कि इसका निर्माण का मुख्य केंद्र कहाँ है, किस शहर में है, सिंदरी में, दिल्ली में, पिंपरी में या फिर अलवाए में। दोस्तों ध्यान में रखिए कि पिंपरी में जो है पेनिसिलिन के निर्माण का मुख्य केंद्र है, सी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? दोस्तों यहाँ पर सबसे पुरानी पूछी जा रही है दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है। इस परियोजना की रूपरेखा अमेरिका के टेनिसी घाटी योजना के अनुरूप ही तैयार की गई है। इसमें तेलिया, कोनार, मेथान और पंचेत हिल पर बांधे गए हैं, बांध बने हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपका बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई देश उपभोक्ता वस्तुओं को छोड़कर कोई और उत्पादन नहीं करता है तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? उपभोक्ता वस्तुओं को छोड़कर यदि कोई और उत्पादन नहीं करता है तो उसमें रहन सहन का दर्जा सबसे ऊंचा होगा। यदि ज़्यादा नहीं तो उतनी ही मात्रा में माल होगा, शीघ्र ही गरीब बन जाएगा यदि उसका व्यापार विदेश नहीं होगा, या फिर कह सकते हैं कि वह धीरे धीरे धनी बन जाएगा यदि उसका विदेश व्यापार नहीं होगा। दोस्तों काफ़ी ये सोचने वाले प्रश्न हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए, वह शीघ्र धीरे धीरे गरीब बन जाएगा यदि वह केवल उपभोक्ता वस्तुओं को ही निर्मित करेगा, दूसरा कोई भी वस्तु निर्माण नहीं करेगा, अगर वो विदेश व्यापार नहीं करेगा तो धीरे धीरे वो गरीब बन जाएगा। सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के व्यय की सबसे बड़ी मद क्या है? व्यय करने की सबसे बड़ी मद क्या है? दोस्तों केंद्र सरकार की यहाँ पर पूछा गया है ब्याज का भुगतान सही जवाब होगा, बी सही आंसर। आगे है, बहुराष्ट्रीय फर्म विदेशी सरकारों द्वारा चलाई गई एक कंपनी होती है, अनेक देशों में प्रचलित एक कंपनी होती है, भारत में यूएसए के व्यापारियों द्वारा चलाया गया एक कंपनी होती है, या फिर भारत एवं यूएसए यानी कि भारत तथा यूएसए दोनों सरकारों द्वारा संचालित एक कंपनी होती है, बहुराष्ट्रीय फर्म। दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, ये अनेक देशों में प्रचलित एक कंपनी होती है, बी सही जवाब होगा। आगे है, संविधान की प्रस्तावना, इसमें भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया है? भारत की प्रस्तावना जो है, संविधान की प्रस्तावना, बताना है कि भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। दोस्तों भारत जो होगा एक प्रभुत्व सत्ता संपन्न होगा, समाजवादी होगा, पंथनिरपेक्ष होगा, लोकतांत्रिक गणराज होगा, सी सही जवाब होगा। तो प्रस्तावना को आप सभी जरूर याद रखिएगा, हम भारत के लोग भारत को इस तरह से, निम्नलिखित में से किसके शासन काल के दौरान भारत में 1 रुपये का सिक्का, ये जो है टकसालित यानी कि मिंट किया गया था, किसके समय में 1 रुपये का सिक्का भारत में टकसालित यानी कि मिंट किया गया था? दोस्तों सही जवाब हो जाएगा, और ये शेरशाह सूरी के समय में 1 रुपये का सिक्का को जो है टकसालित किया गया था, बी सही जवाब होगा। आगे हैं दोस्तों, ब्रिटिश ने पंजाब को निम्नलिखित में से
किस ईस्वी में अपने राज्य में शामिल किया था? ब्रिटिश सरकार ने पंजाब को कितने ईस्वी में अपने राज्य में शामिल किया था? 1849 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य में इसे शामिल कर लिया गया था, पंजाब को। आगे है, उस राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था जिसने भाषाई के आधार पर राज्यों का पुनः सीमांकन करने की सिफारिश की थी? यानी कि भाषा के आधार पर राज्यों का सीमा अंकन किया जाना चाहिए, किसकी सिफारिश थी? दोस्तों ध्यान में रखिए, अफजल अली इन्होंने भाषाई आधार पर राज्यों को सीमा अंकन करने की सिफारिश की थी। आगे है आपका, मौलिक अधिकारों को भोगने की सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी निम्नलिखित में से किसको सौंपी गई है? मौलिक अधिकारों को भोगने को सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी किसको सौंपी गई है? दोस्तों ध्यान में रखिए, उच्च न्यायालय को और उच्चतम न्यायालय दोनों को सौंपी गई है। यहाँ पर आपका डी सही जवाब हो जाएगा। आगे है, मुगल शासकों की दरबारी भाषा क्या थी या फिर अदालती भाषा क्या थी मुगल शासक की? दोस्तों यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा फारसी भाषा थी। ध्यान में रखिए, मुगल शासकों की दरबारी यानी कि अदालती भाषा जो थी फारसी थी। आगे है, भारत के पहले केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष कौन था? भारत के पहले केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष कौन था? दोस्तों सही जवाब हो जाएगा जीवी मावलंकर केंद्रीय विधान मंडल का अध्यक्ष था। आगे हैं, पहले राष्ट्रमंडलीय खेल किस देश में हुए थे? पहले राष्ट्रमंडलीय खेल किस देश में हुए थे? दोस्तों सही जवाब हो जाएगा कनाडा में खेला गया था, सी आंसर होगा। आगे है, अंजलि ईला मेनन ने किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की है? वाद्य संगीत, चित्रकारी, कर्नाटक संगीत या फिर हिंदुस्तानी संगीत? दोस्तों ये जो है चित्रकारी में ख्याति प्राप्त की है, बी सही जवाब होगा। आगे हैं, निम्नलिखित में से यूनेस्को अनुमोदित विश्व विरासत स्थल की पहचान करना है आपको, अजंता की गुफा है, काशी मंदिर, विश्वनाथ मंदिर है या फिर आगरा का किला या फिर तिरुपति मंदिर है? यूनेस्को अनुमोदित विश्व विरासत स्थल की पहचान कीजिए। तो दोस्तों ध्यान में रखिए, यूनेस्को अनुमोदित विश्व विरासत स्थल अजंता की गुफा है। आपका ए जो है सही जवाब हो जाएगा। अजंता की गुफाओं का निर्माण सातवाहन वंश के काल में किया गया था। यह गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। अजंता की गुफाएं में कुल 29 गुफाओं में से वर्तमान में केवल से ये जो है 6 गुफाएं बची हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? सभी ऑप्शन आपके सामने हैं। दोस्तों यहाँ पर नृत्य का शास्त्रीय रूप पूछा गया है, मणिपुरी हो जाएगा, ए सही जवाब। आगे है,
दुनिया की छत यानी कि रूफ ऑफ द वर्ल्ड निम्नलिखित में से किसे कहा गया है? दुनिया की छत रूफ ऑफ द वर्ल्ड निम्नलिखित में से किसे कहा गया है? दोस्तों याद रखिए, पामीर का पठार दुनिया की छत कहा गया है, इसे बी सही जवाब होगा। आगे है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन के साथ लगती है? हिमाचल प्रदेश के कौन सा जिला है जो चीन को छूती है? दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, कन्नौर हो जाएगा, किन्नौर ए सही जवाब होगा, जो चीन के सीमा के साथ लगती है। आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर तीन कथन दिए गए हैं। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा द्रुत प्रजनक रिएक्टर प्रौद्योगिकी को विकसित किया जाता है, या फिर अनुसंधान और अन्वेषण के लिए परमाणु खनिज निदेशालय, ये जो है भारी पानी के उत्पादन में लगा हुआ है, या फिर इंडियन रेयर अर्थर्स लिमिटेड, ये जो है अन्य दुर्लभ मृदाओं सामग्रियों के अलावा भारत के परमाणु कार्यक्रम के लिए जरकॉन के निर्माण में लगा हुआ है। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, या फिर तीनों ऑप्शन सही है, इसका जवाब आपको देना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ए में दिया गया है 1, 2, 3, बी में दिया गया है 1, 2, सी में दिया गया है 1 और 3, और डी में दिया गया है 2 और 3। कौन कौन सा ऑप्शन सही है? यहाँ पर हम आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं। दोस्तों ध्यान में रखिए, यहाँ पर जो बतलाया गया है तीन पॉइंट, ये तीनों पॉइंट जो है आपका सही है, इसलिए पहला आंसर सही हो जाएगा, 1, 2 और 3, ये तीनों लाइन सही है। इस तरह से आपका ए जो है यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, नागे रहोल नेशनल पार्क जो है यह किस राज्य में स्थित है? नागे रहोल नेशनल पार्क जो है यह किस राज्य में अवस्थित है? दोस्तों ध्यान में रखिए, यह कर्नाटक में स्थित है, बी सही जवाब। आगे है, स्मार्ट सिटी कहाँ स्थापित की जा रही है? जो स्थापित हो चुकी है, स्मार्ट सिटी कहाँ स्थापित की जा चुकी है या की जा रही है? दोस्तों हैदराबाद आप सभी जानते ही हैं, स्मार्ट सिटी स्थापित की जा रही है, सी सही जवाब होगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? दोस्तों ऑस्ट्रेलिया इसका सही जवाब हो जाएगा, ए। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम नहीं है? सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम नहीं है। दोस्तों विजया बैंक ये जो है सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम नहीं है, बी सही जवाब। आगे है, मांग का नियम निम्नलिखित में से किसके बीच क्रियात्मक संबंध को व्यक्त करता है? मांग का नियम किसके बीच बताना है क्रियात्मक रिलेशन को बताता है? दोस्तों सही जवाब हो जाएगा, कीमत तथा मांगी गई मात्रा। कीमत तथा मांगी गई मात्रा ये मांग के नियम को जो है कह सकते हैं, इसके बीच जो क्रियात्मक संबंध बनता है उसे व्यक्त करता है, बी सही जवाब हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है? काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है, कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है? दोस्तों जान लीजिए, प्रत्यक्ष कर केंद्र सरकार द्वारा लिया जाने वाला कर है। केंद्र सरकार द्वारा लिया जाने वाला कर प्रत्यक्ष कर है। और आपको बता दें कि जैसे कि आयकर हो गया, संपत्ति कर हो गया, उपहार कर हो गया, ये सब कर में जो है कह सकते हैं सुधार के लिए
चलैया समिति का गठन किया गया था 1991 ईस्वी में। केंद्र सरकार को सर्वाधिक राजस्व की प्राप्ति सीमा शुल्क से होती है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और प्रत्यक्ष कर इसमें पूछा गया है कि कौन सा है, आपका सी सही जवाब हो जाएगा, आयकर, ठीक ना। आगे है, सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है। सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है। दोस्तों ध्यान में रखिए, पर्वतीय वनस्पति जो है यह सुंदरी वृक्ष जो है यह पर्वतीय वनस्पति की विशेष प्रकार की वृक्ष है, तो यहाँ पर सी सही जवाब हो जाएगा। आगे है, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है। बिल्कुल दोस्तों, जो भी बी ले रहे हैं, हीराकुंड बांध सही जवाब है। आगे है, निम्नलिखित में से ऊर्जा का अपारंपरिक स्रोत कौन सा है। अपारंपरिक स्रोत कौन सा है ऊर्जा का। दोस्तों 10th क्लास में आप सभी पढ़े ही होंगे, कोयला, पेट्रोलियम, ईंधन, ये जो है पारंपरिक स्रोत है, जबकि बायोगैस अपारंपरिक स्रोत है। आगे है, भारत में निम्नलिखित में से वह बायो रिजर्व कौन सा है जो सिंहों यानी कि शेरों के लिए एक प्राकृतिक पर्यावास है। सभी ऑप्शन दोस्तों आपके सामने है, बताना है वह कौन सा बायो रिजर्व है जो सिंहों के लिए एक प्रकृति पर्यावास की तरह है। दोस्तों गिर बायो रिजर्व के बारे में आप सभी जानते होंगे, इसका डी सही जवाब हो जाएगा, जो भी डी ले रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। आगे है, प्राकृतिक मार्ग उपलब्ध कराने वाले पर्वत के किसी अंतराल गैप को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। प्रकृति मार्ग उपलब्ध करवाने वाले पर्वत का जो गैप होता है वो गैप क्या कहलाता है। दोस्तों इसे दर्रा कहा जाता है और इसके माध्यम से रास्ता मिल पाता है और सड़क का निर्माण भी हो पाता है पहाड़ों के बीच, तो सी सही जवाब हो जाएगा। आगे है, प्रत्येक समाजवादी सिद्धांत का एक लक्ष्य निम्नलिखित में से किस प्रकार की अधिक समानता को लाना होता है। प्रत्येक समाजवादी सिद्धांत का लक्ष्य निम्नलिखित में से किस प्रकार की अधिक समानता को लाना होता है। दोस्तों लक्ष्य ये होता है कि सबसे अधिक कि वो सामाजिकता पैदा करें, बी सही जवाब हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से स्वतंत्र भारत का वह सबसे पहला राज्य कौन सा है जो केवल भाषाई आधार पर बनाया गया था। भाषाई आधार पर बनाया जाने वाला राज्य कौन सा है स्वतंत्र भारत का। दोस्तों याद रखिए, आंध्र प्रदेश सबसे पहला राज्य है जो भाषाई आधार पर सीमांकन किया गया था स्वतंत्र भारत का, तो बी सही जवाब होगा, आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से किस शताब्दी में उदारवाद का उदय पूर्ण राजनीतिक दर्शन विचारधारा के रूप में हुआ था। निम्नलिखित में से किस शताब्दी का उदारवाद का उदय पूर्ण राजनीतिक दर्शन विचारधारा के रूप में हुआ था। दोस्तों 19वीं शताब्दी में इसका जो है उदय हुआ था, आप सभी को ज्ञात है, सी सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं साइंस के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन की ओर, और उसके बाद मैथमेटिक्स का कुछ क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद आपको 50 रीजनिंग का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। आप सभी रिवाइज ज़रूर कीजिएगा और इसका PDF टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। अभी तक जो भी हमारे नए साथी जुड़े हैं, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद घंटी दबाइए और ऑल पर ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा,
और अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो शेयर जरूर कर दीजिए। तो साइंस में आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और इसके बाद मैथ, उसके बाद आपका रीजनिंग। आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करके एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। ट्राई नाइट्रोटोलिन यानी कि TNT कहा जाता है, इसका विस्फोट निम्नलिखित में से किसके मिश्रण द्वारा किया जा सकता है? अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम नाइट्राइट, अमोनियम सल्फेट या फिर अमोनियम नाइट्रेट। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अमोनियम नाइट्रेट के द्वारा ट्राई नाइट्रोटोलिन यानी कि TNT का विस्फोट किया जा सकता है अमोनियम नाइट्रेट के मिश्रण के द्वारा। आगे है, विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? दोस्तों जान लीजिए, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। क्या होता है? रेटिनॉल होता है। जब इसकी कमी हो जाती है तो रतौंधी जैसी बीमारी, कह सकते हैं रोग जो है उत्पन्न होने लगता है, और इसके साथ जीरो पैथलेमिया होता है, एक जीरो पैथलेमिया नामक रोग वो भी हो सकता है ये ए की कमी से। और इसकी प्राप्ति जो होती है मूल रूप से अगर बात करें तो दूध, अंडा, पनीर, गाजर, हरी साग सब्जी, मछली और यकृत का तेल जो होता है उससे विटामिन ए भरपूर मात्रा में प्राप्त होती है। और दोस्तों अगर बात करें तो मेन रूप से विटामिन ए कार्बनिक घोलकों में घुलनशील होती है, तो इस बात को भी ध्यान में रखिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गाजर। सर्वोत्तम स्रोत क्या है? गाजर। आगे है, बर्फ पानी पर इसलिए तैरता है क्योंकि, बर्फ पानी पर इसलिए तैरता है क्योंकि बर्फ ठोस होती है और पानी तरल, बर्फ का घनत्व पानी के अपेक्षाकृत कम होता है, बर्फ का घनत्व पानी के अपेक्षाकृत अधिक होता है या फिर बर्फ का घनत्व उतना ही होता है जितना पानी का होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जवाब दीजिए क्या होगा। दोस्तों बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व के अपेक्षा में अगर बात करें तो कम हुआ करती है जिसके कारण बर्फ जो है पानी पर तैरती हुई नजर आती है। आगे हैं, आमतौर पर प्रयोग किए जाने वाला मसाला जैसे कि लौंग जो होता है इस पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? मसाला जो होता है लौंग ये पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? जड़ यानी कि मूल से, तने से, पुष्प कली से या फिर फल से? दोस्तों ध्यान में रखिए, ये लौंग जो प्राप्त होता है पौधे का पुष्प कली होता है, सी सही जवाब होगा। आगे है, शहद कैसे बनाया जाता है? शहद कैसे बनाया जाता है? कर्मी मधुमक्खियों द्वारा रसदार पौधे से, पुष्पों से एकत्रित किए गए मकरंद पर, कर्मी मधुमक्खियों के पाचक रसों की क्रिया द्वारा, कर्मी मधुमक्खियों द्वारा रसदार पौधे से फल शर्करा के चुनिंदा अवचूषण और अपने गटों में संसाधन द्वारा या फिर मरकंद कोषों में कर्मी मधुमक्खियों द्वारा। कर्मी मधुमक्खी वही होगा कि कहने का मतलब जो मधुमक्खी यानी कि मधु बना सकता है सक्रिय। तो दोस्तों ये जो होता है कर्मी मधुमक्खियों द्वारा रसदार पौधों से फल से क्या करता है, शर्करा के चुनिंदा अवचूस को अपने छत्री में कह सकते हैं जमा करता है और अपने गटों में संसाधन द्वारा निर्माण करता है, तो इस तरह से शहद तैयार होता है। आगे है, मानव की लाल रुधिर कणिकाओं की आयु निम्नलिखित में से कितनी होती है? RBC की आयु पूछी गई है, बताना है कि कितनी होती है, अनिश्चित, 120 दिन या फिर 180 दिन।
दोस्तों जान लीजिए, लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होती है। कहाँ होती है? अस्थि मज्जा में होती है, किंतु भ्रूणावस्था में इसका निर्माण यकृत में होती है और प्लीहा में होती है। यकृत और प्लीहा को आरबीसी यानी कि लाल रुधिर कणिका का कब्र कहा जाता है। इसका मुख्य कार्य शरीर की हर कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेना होता है। वो कार्य आरबीसी के द्वारा ही होता है, और इसे आरबीसी को जो है, मतलब यकृत को जो है और प्लीहा को आरबीसी का कब्र कहा जाता है। तो इस बात को भी ध्यान में रखिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 120 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का ताप स्थापी यानी कि थर्मोस्टेट स्थित होता है पीनियल में, पीयूष में, O2 यानी कि थोराइड में, या फिर हाइपोथैलेमस में। दोस्तों ध्यान में रखिए, हाइपोथैलेमस में मानव शरीर का ताप स्थापी स्थित होता है। कहाँ पर? हाइपोथैलेमस में। डी सही जवाब होगा। हाइपोथैलेमस का मुख्य कार्य होता है कि अंतःस्राव ग्रंथि जो भी है, इससे स्रावित होने वाली हार्मोन का नियंत्रण करना। तो दोस्तों पोस्टीरियर जो एक होता है पिट्यूटरी ग्रंथि होता है, इससे स्रावित होने वाले हार्मोन, इसी से स्रावित होता है हाइपोथैलेमस में। ये जो है ताप अस्थफी कह सकते हैं थर्मोस्टेट से। तो ध्यान में रखिएगा इस बात को, निम्नलिखित धातुओं में से सर्वाधिक हीन चालक कौन सा है? निम्नलिखित धातुओं में से सर्वाधिक हीन चालक कौन सा है? लोहा, सीसा, सिल्वर या फिर स्वर्ण? दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा सीसा, जो सर्वाधिक हीन चालक में आता है। आगे है, शर्करा यानी कि मंड किण्वन से प्राप्त होता है? शर्करा या मंड के किण्वन से प्राप्त होता है क्या? एथेनॉल, एथेनॉल, मेथेनॉल या मेथेनॉल? दोस्तों आप 10th क्लास में पढ़ चुके होंगे फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन किण्वन की प्रक्रिया। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा एथेनॉल का निर्माण होता है, इथेनॉल का निर्माण होता है। ऑक्सीजन के अभाव में ये क्रिया होती है, तो आप सभी रिस्पायरेशन चैप्टर में पढ़े होंगे। आगे है एलपीजी में मुख्य घटक होता है मीथेन, ब्यूटेन, एथेन या फिर प्रोपेन? ये हो जाएगा CH4, ये हो जाएगा C2H5, C2H6 होगा, ये हो जाएगा एथेन है और सॉरी ब्यूटेन है, तो यहाँ पर C4H10 होगा और यहाँ पर C2H6 हो जाएगा। ये हो जाएगा प्रोपेन है, C3H8 हो जाएगा, आप सभी जानते ही होंगे। तो ये इसका सही जवाब होगा। आगे है, निम्नलिखित में से जैव सेल कौन सा है? निम्नलिखित में से बताना है जैव सेल कौन सा है। और एलपीजी जो होता है ये अत्यधिक ज्वलनशील होता है, इससे होने वाली दुर्घटना से बचने के लिए इसमें सल्फर का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? सल्फर के यौगिक एक होता है मिथाइल मार्कप्टेन कहा जाता है, मार्कप्टेन, तो उसको मिला देते हैं, तो जिससे होता क्या है कि रिसाव रिसाव जो होता है इसको गंध से पहचान लेता है, गंध से पहचान लिया जाए इस तरह से। तो यहाँ पर जो है एलपीजी का मुख्य घटक मीथेन हो जाएगा। यहाँ पर बताना है जैव सेल कौन सा है? दोस्तों जैव सेल जो है कोयला क्या है? जैव सेल है बाद बाकी आपका जैव सेल नहीं है। हम सदैव चंद्रमा के उसी पृष्ठ को देखते हैं,
हम सदैव चंद्रमा के उसी मतलब एक ही पृष्ठ को देखते हैं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी यह पृथ्वी से छोटा है, या पृथ्वी के विपरीत दिशा में अपनी धुरी पर घूमता है, या फिर यह पृथ्वी का चक्कर लगाने और अपनी धुरी पर घूमने में समान समय लेता है, या उतनी ही गति से घूमता है जितनी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। किस कारण से हम चंद्रमा के मात्र एक ही भाग को देख पाते हैं? दोस्तों, ध्यान में रखिए, चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? सेलेनोलॉजी। सेलेनोलॉजी कहा जाता है चंद्रमा का जो अध्ययन करेंगे, सेलेनोलॉजी और उसके आंतरिक अध्ययन। दोस्तों, चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है, तो ध्यान में रखिएगा, जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। चंद्रमा पर धूल के मैदान को शांति सागर कहा जाता है, तो आप इसे भी नोट कर लीजिएगा। उसके बाद चंद्रमा जो है पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग 27 दिन में पूरा करता है। कितना दिन में पूरा करता है? 27 दिन 8 घंटे में पूरा करता है। चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक परिक्रमा पूरा करता है। कितना दिन में? 27 दिन 8 घंटे में लगभग पूरी कर लेता है। इस तरह से दोस्तों, इसका सही जवाब आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इसे हम डाउट में रखते हैं, क्योंकि इसका आंसर जो लिया है सी लिया है। आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। आगे है, निम्नलिखित में से सार्वत्रिक अदाता रुधिर वर्ग कौन सा है? सार्वत्रिक अदाता रुधिर वर्ग कौन सा है? दोस्तों, ए बी जो है रुधिर वर्ग, ये सार्वत्रिक अदाता रुधिर वर्ग होता है। आगे है, पोलियो का विषाणु यानी कि वायरस शरीर में किस प्रकार प्रवेश करता है? पोलियो का जो विषाणु होता है, वायरस होता है, यह किस प्रकार से शरीर में प्रवेश करता है? दोस्तों, अगर सही जवाब की बात करें तो लाल और नाक के स्राव द्वारा जो है ये वायरस शरीर के अंदर प्रवेश करता है। आगे है, सेल्सियस और फॉरेनहाइट तापमापी किसी विशेष तापमान पर समान रीडिंग देता है? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 11th क्लास में आप पढ़ चुके होंगे और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आपको बताना है वह तापमान निम्नलिखित में से कितना डिग्री है, सेल्सियस में और फॉरेनहाइट में, दोनों समान रीडिंग देता है। दोस्तों, जो भी आप में से सी ले रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, -40 डिग्री पर फॉरेनहाइट और सेल्सियस में समान रीडिंग देता है। आगे हैं, निम्नलिखित में से केवल अदिश मात्रा चुनिए, अदिश कौन सा है? अदिश कौन सा है? दोस्तों, आघूर्ण में जो होता है परिमाण और दिशा दोनों होती है, इसमें भी और इसमें भी, ये सदिश हैं सभी, और ये जो है ऊर्जा आपका अदिश है। आगे है, हृदय यानी कि हार्ट, इसकी मरमर निम्नलिखित में से किस कारण होती है? हृदय की मरमर किस कारण से होती है? निष्क्रिय परिकोष्ठ, च्वेन वाल्व, या फिर कोरोनरी थोब्रोसिस, या फिर लघु महाधमनी के द्वारा, किस कारण से होती है? दोस्तों, हार्ट मर्मर जो होता है, ध्यान में रखिएगा, ये च्वेन वाल्व के कारण होता है। जो वाल्व होता है, एक साइड डबल वाल्व होता है और दूसरे साइड जो होता है 3 ठो वाल्व होता है, और इसी के माध्यम से जो है कह सकते हैं तो ब्लड में प्रेशर बनता है, जिसके कारण से प्रेशर युक्त ब्लड संपूर्ण शरीर में पहुंचता है। आगे है, चाय पर लाल किट यानी कि रेड रस्ट निम्नलिखित में से किसके कारण लगता है? पहला ऑप्शन है
बैक्टीरियम के कारण, कवक के कारण, हरी शैवाल के कारण या फिर विषाणु के कारण, किसके कारण चाय पर लाल करिकट जो है जमा होती है? दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार जो है हम लोग उलझ जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में। आपको बताना है कि इसका क्या सही जवाब होगा। वो जो होता है कवक होता है। क्या होता है? कवक होता है। आगे है, कुछ तिलहनों को उनके तेल में कोई परिवर्तन हुए बिना लंबी अवधि तक स्टोर किया जा सकता है। आपको बताना है इसका कारण निम्नलिखित में से किसका मौजूद होना है। ये आप 10th क्लास में पढ़ चुके होंगे, अम्ल क्षार और लवण के चैप्टर में ही शायद पढ़े होंगे या फिर रासायनिक अभिक्रिया में। विक्रीगंधिता का नाम आप सभी सुने ही होंगे। दोस्तों प्रति ऑक्सी कारक यूज किया जाता है जो निष्क्रिय गैस होती है। क्या होती है? जो निष्क्रिय गैस होती है, जैसे कि कुरकुरे है, कुरकुरे के प्लास्टिक में जो है निष्क्रिय गैस भरी जाती है जिसके कारण कुरकुरे लंबे समय तक खराब नहीं होती है। तो यहाँ पर ए सही जवाब होगा, इसे विक्रीगंधिता कहा जाता है। कांसा किसकी मिश्र धातु है? दोस्तों इसे हमेशा के लिए जो कीजिए, रट जाना है रट जाइए, पी जाना है पी जाइए, जो करना है वो कर दीजिए। कांसा किसकी मिश्र धातु है? मिश्र धातु आप जरूर जो है मतलब याद रख लीजिए, तांबा और टीन का, तांबा जिंक का, तांबा और निकेल का, तांबा और लोहा का। दोस्तों ये कांसा जो होता है ये मिश्रण होता है तांबा और टीन का। किसका मिश्रण होता है? तांबा और टीन का मिश्रण होता है कांसा। आगे है, त्वचा पर जो बाल आते हैं इस पर आपको अपना राय देना है। मूलतः अधिचर्मी होते हैं और मृत कोशिकाओं से बने होते हैं। मूलतः अधिचर्मी होते हैं और जीवित कोशिकाओं से बने होते हैं। मूलतः चर्मी होते हैं और जीवित कोशिकाओं से बने होते हैं, या फिर मूलतः चर्मी होते हैं या फिर और साथ ही साथ मृत कोशिकाओं से बने होते हैं। क्या इसका सही जवाब होगा? दोस्तों त्वचा पर जो बाल आते हैं ये मूलतः अधिचर्मी होते हैं और यह मृत कोशिकाओं से बने होते हैं। ए सही जवाब होगा। आगे है, ग्रीन हाउस प्रभाव निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? ग्रीन हाउस प्रभाव निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? दोस्तों ये जो है अत्यधिक CO2 का छोड़ना यानी कि निकलना ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रमुख कारण है। जितना भी वातावरण दूषित होता है वो CO2 की वजह से दूषित होता है और ये जितना निकलेगा ग्रीन हाउस प्रभाव उतनी ही बढ़ेगी। घेंघा निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है? घेंघा रोग निम्नलिखित में से बताना है कि किसकी कमी के कारण होता है। दोस्तों बहुत लंबे समय से पढ़ते आए हैं, बचपन से ही पढ़ते आए हैं, घेंघा रोग जो होता है आयोडीन की कमी से होती है। आगे है, तीर चलाने में प्रयोग की जाने वाली झुकी कमान में कौन सी ऊर्जा संचित होती है? हम जो तीर चलाते हैं आपको बताना है कि इसमें कौन सी जो है ऊर्जा संचित होती है। दोस्तों स्थितिज ऊर्जा इसमें संचित होती है। आगे है, अधिक द्रव्यमान वाली एक क्रिकेट बॉल और टेनिस बॉल, अधिक द्रव्यमान वाली एक क्रिकेट बॉल और एक टेनिस बॉल को समान वेग से फेंका जाता है, यदि उन्हें रोका जाए तो क्रिकेट बॉल के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होगी? क्रिकेट बॉल को अगर आपको रोकना है तो अधिक बल लगाना पड़ेगा या कम बल,
समान बल या फिर अपरिमित बल। बहुत ही दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि कौन सा बल लगाना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर कहा गया है अधिक द्रव्यमान वाली क्रिकेट बॉल और एक टेनिस बॉल। तो अधिक द्रव्यमान यहाँ पर क्या है, क्रिकेट बॉल जो होता है वो उतना भारी नहीं होता है, लेकिन इसका जो है द्रव्यमान क्या किया गया है, बढ़ा दिया गया है, तो इसका मतलब वजन कर दिया गया है। और जो है टेनिस बॉल जो होता है ये काफ़ी हार्ड बॉल होता है, इतना हार्ड होता है अगर लग गया तो कह सकते हैं लोहा जैसा चोट लगता है। तो ये हार्ड भी होता है और वजन भी होता है, लेकिन क्रिकेट बॉल को यहाँ पर वजन कर दिया गया है तो इसे समान वेग से फेंका जाएगा, क्योंकि F इक्वल टू क्या होता है, एम ए होता है, एम ए होता है। द्रव्यमान बढ़ाएंगे तो भी बल ज़्यादा होगा, एक्सेलरेशन बढ़ाएंगे तो भी बल बढ़ेगा। तो एक जगह एक्सेलरेशन बढ़ाएंगे और एक जगह द्रव्यमान बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर समान बल लगा करके रोकना पड़ेगा, सी सही जवाब होगा। आगे है दोस्तों आपका मैथमेटिक्स से, और ये बाइनरी ऑपरेशन से आपका क्वेश्चन है। काफ़ी बार इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, ट्वेल्थ क्लास में भी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। आपको बताना है ए स्टार बी का वैल्यू है, दोनों को जोड़ दीजिए और उसमें जोड़ना है दोनों का गुणनफल। तो इस तरह से इसका वैल्यू क्या होगा, फास्ट कमेंट कीजिए दोस्तों। तो यहाँ पर तीन चार सात प्लस सात चार तिया बारह, यहाँ पर हो गया एक वैल्यू 19, और दूसरा वैल्यू निकालेगा तो दो तीन पाँच प्लस में हो जाएगा ए बी, यानी कि तीन दोनी छः। अब दोनों का अंतर कीजिएगा तो 13 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 12 सात 19, 19 में से 6 5 11 को माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इस तरह से बी आपका सही जवाब होगा। आगे है 200 का 25% का 20% कितना होगा। दोस्तों ये बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है और ये आप सभी इसे फास्ट बना सकते हैं, लेकिन दोस्तों आप सभी को प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। 25% को 25/100 नहीं लिख करके हम सीधा लिखेंगे 1/4, और 20% को लिखेंगे 1/5। 5 × 20 20 × 200 यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी सही जवाब 10 हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित संख्याओं में इतना यानी कि 2.89 ^2 है, उसके बाद कोमा 2 है, उसमें से माइनस किया गया है 0.5 का स्क्वायर, उसके बाद 1 + 0.5/1 − 1/2 और √3 में सबसे बड़ी संख्या क्या है। दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसके लिए अगर आपको सॉल्व करना है डिटेल में तो आप 0.5 को 1/2 कर दीजिए यानी कि वर्गमूल कर दीजिए, और यहाँ पर भी क्या कर दीजिए स्क्वायर इसका निकाल लीजिए और माइनस कर लीजिए, इसके बाद इसका वैल्यू निकाल लीजिए, उसके बाद √3, तो √3 का वैल्यू और इसके वैल्यू में कंपेयर करना है। अगर आप कंपेयर करेंगे डिटेल में तो बहुत ही लंबा जाएगा, और यहाँ पर जो इसका आंसर होगा वो मैं आपको केवल बता देता हूँ, यहाँ पर जो इसका आंसर होगा सी होगा। ऑप्शन दिखा देते हैं आपको, सी लिया है यानी कि 1 + 0.5/1 − 1/2 ये आपका सही जवाब होगा। आगे है निम्नलिखित में से बड़ी संख्या क्या होगी। काफ़ी इम्पोर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है, जितना भी कम इम्पोर्टेंट समझिए वो आपकी भूल होगी। इसका जवाब दीजिए क्या होगा, हम वेट कर रहे हैं, इसका जवाब दीजिए क्या होगा। दोस्तों बिल्कुल आसान तरीका है, √2 को लिख सकते हैं 2 ^1/2, 3 के घनमूल को लिख सकते हैं 3 ^1/3, उसके बाद 5 ^4 √1/4, और यहाँ पर 2 का घनमूल तो यहाँ पर 1/3 कर दीजिए। इस दोनों में तो बड़ा कौन होगा,
तो जिसका बेस सबसे बड़ा होगा वही बड़ा होगा, तो इस दोनों में बड़ा कौन हो गया, ये हो गया, तो इसको खत्म करते हैं। अब ले लेते हैं दो तीन और चार का एलसीएम कितना होगा, 12 होगा। दो तीन चार का एलसीएम 12 होगा। अब क्या करना है कि दो से भाग दे दीजिए 12 में, दो छाके 12, उसके बाद तीन से भाग दे दीजिए 12 में, तीन चौके 12, चार तिया 12, यहाँ पर भी भाग दे दीजिए। यहाँ पर क्या हो गया, दो का पावर 6, तीन का पावर 4, उसके बाद पाँच का पावर 3। अब देख लीजिए इनमें से बड़ा कौन है, दो का पावर 6 हो जाएगा कितना, 64, तीन का पावर 4 कितना हो जाएगा, 81, उसके बाद पाँच का पावर 3 हो जाएगा 125। इसलिए बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 5 का 4th मूल, तो यानी कि ए आपका सही जवाब होगा। दोस्तों बहुत ही सिंपल है, इस पर हम वीडियो बना भी दिए हैं, नंबर सिस्टम के प्लेलिस्ट में जा कर के देख लीजिएगा, बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जवाब आपको देना है क्या होगा। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर क्या कीजिए, उस पहले तो यहाँ पर घनमूल है, उसके बाद वर्गमूल है, दोनों को हटा दीजिएगा तो 1/6 पावर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि 64 को लिख सकते हैं 2 का पावर 6, और दशमलव डाल दीजिए यहाँ पर, तो 6 से 6 कैंसिल होगा, 0.2 आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक्स का वैल्यू दे दिया है 12/5 और इसका वैल्यू आपसे पूछा गया है। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन में या तो आप ऐसा कर सकते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले सकते हैं तो आप बना सकते हैं, ठीक ना, तो एलसीएम लेकर के भी बना सकते हैं, या नहीं तो आप सीधे एक्स का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए और वैल्यू आप निकाल लीजिए, तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू रखिएगा और सॉल्व कीजिएगा, तो ये आपका आ जाएगा 81 का बी आपका दो सही जवाब आ जाएगा, आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसके बाद है एक रेडियो का प्रारंभिक मूल्य 9,000 रुपया है, इसका मूल्य 20% कम कर दिया गया है तथा उसके बाद 10% फिर से बढ़ा दिया गया है, तो नया मूल्य क्या होगा। दोस्तों इसका सिंपल प्रोसेस है, 9,000 रुपया है प्रारंभिक मूल्य, 20% कम किया गया है, तो यानी कि 100 रुपये के वस्तु को कितना में बेचा गया है, 80 में बेचा गया है। तो आप इसे ऐसा कर सकते हैं, 80/100 कीजिएगा, क्योंकि 100 रुपये का वस्तु था, बेचा गया 80 में, इसके बाद 10% बढ़ा दिया जाता है, मतलब कि 100 रुपया का वस्तु था, 110 कर दिया गया है। अब आप इसे जब सॉल्व करेंगे तो 1 0 1 0 यहाँ से कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 यहाँ पर कैंसिल कर दीजिए, 9 8 72, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 9 8 72, और यहाँ पर कुछ था क्या, 9 8 72, और यहाँ पर 110/100 था, तो जब 11 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपका ए जो है सही जवाब हो जाएगा। आप सभी चेक कर लीजिएगा। आगे है इसका एलसीएम निकाले, तो आप सभी एलसीएम निकालने के लिए जानते ही हैं, इसको ऐसा कीजिए सभी के फैक्टर में तोड़ दीजिए, फैक्टर में तोड़ने के बाद आसानी से निकल जाएगा। जैसे कि 72 को तोड़ सकते हैं 2 का पावर 3 गुना 3 का पावर 2, 108 को तोड़ लीजिएगा फैक्टर में तो 2 का पावर 2 गुना 3 का पावर, ऐसा लिख सकते हैं 3 का 2 हो जाएगा। इसके बाद 21 जो है इसको लिख सकते हैं, पहले 21 को तोड़ लीजिएगा या नहीं तो 100 को तोड़ लीजिएगा, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 2 गुना 3 का पावर 1 होगा, उसके बाद 5 का पावर 2 होगा, उसके बाद 7 होगा। अब देखिए दोस्तों एलसीएम निकालते हैं तो 2, 3, 5, 7 सबको लिख लीजिए और इसका महत्तम पावर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इस तरह से एलसीएम आसानी से निकल जाएगी। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, जिससे कि इतना इतना से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष कितना बचे, 5 बचे, तो इतना से भाग देने पर शेष 5 बचे, तो सबसे पहले इसका एलसीएम ले लीजिए। उसमें कहा है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए,
चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कितना है? 9999 है। अब 9999 को इसके एलसीएम ले लीजिएगा तो एलसीएम आ जाएगा 252। 252 से 9999 में भाग दीजिए, ठीक ना। उसके बाद भाग देने पर 117 जो है आपको शेष बचेगा, 171। 171 को आपको क्या करना है, माइनस कर लेना। इसका मतलब हो गया कि जो संख्या बच गया है वो कटने वाली हो गई है। कटने वाली में क्या कर देंगे, 5 फिर से जोड़ दीजिएगा तो वो आपका प्रत्येक दशा में 5 शेष बचेगा। इसी टाइप से आप इसे सॉल्व कीजिएगा और इसका सॉल्यूशन आपको इसमें दिया गया ही है। इसके बाद आपका मानसिक क्षमता जांच परीक्षण है, यानी कि रीजनिंग है। चलिए कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये आपका क्लासिफिकेशन और कह सकते हैं, और दूसरा चैप्टर एक और बताए थे हम आपको, एनालॉजी। क्लासिफिकेशन और एनालॉजी में इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको बताना है कैलेंडर जिस प्रकार से तिथि से संबंधित है और यहाँ पर दोनों कौन सा ऐसा होगा जो एक दूसरे से रिलेट करेगा। दोस्तों कैलेंडर में हम लोग क्या देखते हैं, तिथि देखते हैं। तो समय में घंटा देखेंगे, परिवहन में बस देखेंगे, कोष में शब्द देखेंगे, शहर में पिन कोड देखेंगे। तो बिल्कुल नहीं, यहाँ पर कोष में शब्द देखेंगे। तो यहाँ पर जो है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे है डी ई वी आई एल को एल आई वी ई डी लिखा गया है, उसी प्रकार से स्टार्प को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे एल आई वी ई डी जस्ट भी अपोजिट किया गया है, तो इसका भी अपोजिट कर दीजिए। अपोजिट कीजिएगा तो आपको यहाँ पर बी सही जवाब होगा। आगे है जिस तरह से 11 जो है 5 से रिलेट है, 17 किससे रिलेट होगा। कभी कभी इस तरह से भी होता है, पहला का रिलेशन थर्ड से होगा तो दूसरा का रिलेशन फोर्थ से होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है, पहले का रिलेशन लास्ट से होता है तो मिडल वाला का मिडल से भी रिलेशन चलता है। तो नॉर्मली जो है फर्स्ट का सेकेंड से और थर्ड का फोर्थ से रिलेशन चलता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि क्या सही जवाब होगा। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, 11 जिस तरह से 5 से रिलेट करता है उसी तरह से 17 का रिलेशन किससे होगा। दोस्तों 11 और 5 में जो है अगर देखें तो विषम संख्या या फिर कह सकते हैं अभाज्य संख्या, 17 का अभाज्य संख्या यहाँ पर तो दिया हुआ है ही नहीं है। तो आपको यहाँ पर कुछ और दिमाग लगाना पड़ेगा। इसका देखिए 11 का आधा कीजिएगा तो 5.5 आएगा, तो 5 लिया है। 17 का आधा कीजिएगा तो 8 आएगा, यानी कि 5 आएगा। तो यहाँ पर आपका 8 सही जवाब हो जाएगा। बिल्कुल यही पैटर्न चलेगा, या नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसमें से एक माइनस कर दीजिए, 2 से भाग दे दीजिए, 5 होगा। 17 में से एक माइनस कर दीजिए, 2 से भाग दे दीजिए, तो भी 5 होगा। या नहीं तो आधा करके मेन पॉइंट ले लीजिए। आगे है जिस तरह से 0.01 इससे संबंधित है, बताना है ये किससे संबंधित होगा। तो दोस्तों इसमें जो है भाग दिया गया है 100 से, तो ये आया है। इसमें भी 100 से भाग दे दीजिए तो 4 अंकों के बाद 5 होगी, यानी कि दशमलव जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, यानी कि दशमलव तो है नहीं, इसका स्क्वायर किया गया है तो ये आया है। यहाँ पर भी इसका स्क्वायर कर दीजिए तो यहाँ पर 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर आकृतियाँ से संबंधित कुछ प्रश्न है आपको बताना है। जिस तरह से ये आकृति जो है फर्स्ट सेकेंड से बिलोंग करता है, उसी तरह से थर्ड जो है फोर्थ से बिलोंग करेगा, तो कौन सी आकृति सही होगी। तो दोस्तों यहाँ पर ऊपर तो सेम ही है, लेकिन इसको जो है दूसरे साइड रखा गया है और कुछ भी नहीं किया गया है, ठीक ना। तो इसका मतलब है ये जो है इस तरह जो है ये इस टाइप से हो जाएगा, और ये आपका सेम ही रहना चाहिए, या कह सकते हैं उलट दिया गया है इसको, जिस तरह से उल्टा गया है इसको भी जैसे ही उल्टाएंगे
तो ये जो है इस कोने पर आ जाएगा और ये लकीर जो है इस तरह से हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक ही ऑप्शन में मैच कर रहा है, वो है आपका डी, वो क्या है आपका डी है। इस तरह से इसका सही जवाब डी हो जाएगा। इस तरह से और भी बहुत सारे प्रश्न हैं, आप सभी इसे खुद से सॉल्व कीजिएगा। वैसे भी वीडियो बहुत ही लंबी हो चुकी है, आप सभी बोर हो रहे हैं, उतना को तो मैं एक साथ लेकर के नहीं चल सकता हूँ। तो इसमें सभी टाइप के क्वेश्चन जो है मतलब दिया गया है, तो आप सभी मतलब कि इमेजेस तो उतना नहीं पूछा जाता है, तो बाद बाकी जो भी क्वेश्चन है उसे आप सभी ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए बेहद ही हेल्पफुल हुआ होगा। तो इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं अभी तक तो लाइक कीजिए, और लाइक करने से होता क्या है कि हम आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए हमेशा मोटिवेट रहते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, शेयर करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में देख पाते हैं तो भी हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं। तो शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब आप कीजिए या फिर नहीं कीजिए। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से इसका PDF आपको मिल जाएगी।